Good morning students, today in your biology class you will be studying about the next organelle present in a cell and that is vacuole. You are able to see here this vacuole is shown in the diagram and it is occupying most of the part of this cell. See beta, we are studying different organelles. Till now we have studied Golgi bodies, endoplasmic reticulum, then we have studied about mitochondria, then about ribosomes, lysosomes, chloroplast, chromoplast and leucoplast, that is plastid. And today we will be studying vacuole. As vacuole is shown in the diagram and if we see the structure of a vacuole, it is somewhat sac-like structure. Aapko ek rounded sa structure nazar aa raha hai. And this sac-like structure has solid or liquid content in it. Iske paas andar jo hai, in this vacuole, liquid or solid substances may be present. And as it is a plant cell, aap kaise pehchanenge ki it is a plant cell? Because it has chloroplast. Chloroplast jo hai, wo sirf plant cells mein hi present hota hai. So you are able to see that it is a plant cell and it is showing a large sized vacuole. So vacuoles are liquid or solid filled sac-like substances हैं. Then they are membrane bound organelles. इनके पास जो है वो boundary होती है, जैसा कि हमने diagram में देखा. तो membrane bound organelles हैं. And हमने अभी बात की थी कि वो plant cell थी जिसका हमने diagram देखा and vacuole was present and it was large in size as compared to animal cells. एनिमल सेल्स के अंदर जो वेक्यूल्स हैं दे आर स्मॉल इन साइज एंड दे आर टेम्प्ररी ऑल्सो. वाई? देखिए बेटा, प्लांट्स के पास अपने वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड फॉर द स्टोरेज ऑफ थिंग्स. दैट्स वाई इन एनिमल सेल्स वेक्यूल्स आर स्मॉल एंड टेम्प्ररी, वेयर एज इन प्लांट सेल्स वेक्यूल्स आर लार्जर इन साइज एंड दे आर परमानेंट ऑल्सो. Now if we talk about the position, that how much part, 90% of the space of cell volume, जितना भी एक cell का volume होगा, अगर plant cell की हम बात करें, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि it has large sized vacuole, तो जो vacuole है वो इतना बड़ा भी हो सकता है कि वो cell के अंदर जितना space है उसके 90% part को occupy कर सकता है. In average cell it occupies from 50 to 90%. और क्योंकि जब साइज़ बड़ा हो जाता है प्लांट सेल के अंदर वेक्यूल्स का, तो जो अदर ऑर्गेनल्स हैं दे शिफ्ट्स टू द अदर पोजीशंस, मतलब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं बाकी के ऑर्गेनल्स. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस, तो जो ये वेक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर वेक्यूल्स के पास जो है सेल सैप है, लिक्विड प्रेजेंट है, सो दिस सेल सैप प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल. जो वाटर कंटेंट के कारण, जो लिक्विड कंटेंट के कारण जो सेल है वो टर्जिड रहेगी, रिजिड रहेगी, हार्ड रहेगी. सो यानी कि इसका फंक्शन क्या है कि टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. इसके अलावा जो वेक्यूल्स हैं, क्योंकि वेक्यूल्स के पास सेल सैप है, लिक्विड प्रेजेंट है, सो दिस लिक्विड में कंटेन प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड शुगर्स एट्सेट्रा. मीन्स इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी, इट मेंटेन्स द रिजिडिटी एंड इट मे कंटेन्स मेनी ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेस विच आर नेसेसरी फॉर द सेल. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल. देखिए बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है लिक्विड फिल्ड होने के कारण, वाटर कंटेंट फिल्ड होने के कारण जो सेल है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन्ड रहता है, जिससे जो नेबरिंग सेल हैं या जो बाकी के जो ऑर्गेनल्स हैं या जो सराउंडिंग एरिया में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो सेल को क्रश नहीं कर पाती. ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन्ड रहता है. नाउ If we compare, as I have just told you, the difference between the vacuoles of plant cell and animal cell, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं in this diagram also that vacuole of plant cell is larger in size as compared to the vacuoles in animal cell. Animal cell का जो vacuole है ये आपको दिख रहे हैं, they are small in size, और जबकि plant cell जो है इसका जो vacuole है it is large in size. What is the reason? I have just told, क्योंकि plants के पास जो है खूब सारा waste होता है और उसको specially remove करने के लिए they don't have any special organs, so they have large sized and
परमानेंट वेक्यूल्स. नाउ इन सम ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल दिस इज द पिक्चर ऑफ अमीबा. आप यहाँ पर अमीबा में क्या देख पा रहे हैं कि जब भी अमीबा को कोई फूड नज़र आता है, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करती है, जिसे हम बोलते हैं सुडोपोडिया. और ये सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड होती है और जो फूड पार्टिकल है दैट एंटर्स इनटू द सेल. और जब वो फूड पार्टिकल सेल में एंटर कर जाता है तो जो वेक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन द सेल, दे सराउंड द फूड. तो यहाँ पर डायग्राम में यही शो किया गया है कि फूड जो है उसको चारों तरफ से वेक्यूल ने सराउंड कर लिया है. व्हाई द वेक्यूल, फूड वेक्यूल हैज़ सराउंडेड इट? बिकॉज फूड वेक्यूल हैज़ सम एंजाइम्स एंड विच विल हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन और इन दैट रिलीजिंग द एनर्जी फ्रॉम दिस फूड. जो फूड आ गया है, वेक्यूल्स उसको सराउंड करके उसके पास जो एंजाइम्स होंगे वो उस फूड को ब्रेक डाउन कर देंगे सिंपलर फॉर्म के अंदर. और इन सम ऑफ द सेल्स जो है, ये जो वेक्यूल है, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल. तो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो है ये वेस्ट रिमूवल का काम ही करती है. कौन? वेक्यूल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस ऑर्गेनल्स विच वर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. अब तक हम पढ़ चुके हैं कि ये ऑर्गन्स जो हैं ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होंगे. लेकिन प्लांट सेल्स और बेसिक जो एनिमल सेल्स हैं, दे हैव सम सिमिलैरिटीज़ ऑल्सो एंड दे हैव सम डिसिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस ऑल्सो. सो इन दिस टेबल वी विल स्टडी द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. देखिए बेटा, जो एनिमल सेल्स हैं दे आर जनरली स्मॉल इन साइज, वेयर एज प्लांट सेल्स आर समवॉट लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स. Then second, which is the important point, cell wall is absent in animal cell. Animal cell में outer layering जो है वो cell membrane या plasma membrane होती है, उसके बाहर एक extra protective layer present नहीं होता. That extra protective layer is called as cell wall, means cell wall is absent in animal cell. Whereas this cell wall is present in प्लांट सेल. प्लांट सेल के पास ये प्रेजेंट होती है. और क्योंकि प्लांट्स एडवर्स कंडीशंस में, बाहर के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए जो है उनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. एंड दैट इज़ गिवन बाय द सेल वॉल. एंड दिस सेल वॉल इज़ मेड ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज एक सब्सटेंस है, एक मटीरियल है जिसकी ये वॉल बनी हुई होती है. नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज प्लास्टिड्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्रोटोजोआ युगलीना. यानी इन जनरल व्हाट वी विल टॉक दैट एनिमल सेल्स डू नॉट हैव प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स हमने अभी पढ़े थे अपने प्रीवियस क्लास लेक्चर्स में कि प्लास्टिड्स जो हैं वो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. दे मे बी ग्रीन कलर्ड, तो वो क्लोरोप्लास्ट कहलाएंगे. अगर वो कलर्ड हैं अदर देन ग्रीन, देन दे विल बी कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट. एंड इफ दे आर कलरलेस, देन दे विल बी कॉल्ड एज ल्यूकोप्लास्ट. सो जो प्लास्टिड्स हैं दे आर एबसेंट इन एनिमल सेल्स, वेयर एज दीज प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. क्योंकि प्लांट के अंदर कहीं लीफ ग्रीन है तो कोई फ्लावर जो है वो पर्पल है, पिंक है, येलो है, डिफरेंट कलर्स हैं. तो यानी कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल वेयर एज दे आर एबसेंट इन एनिमल सेल. बट देयर इज़ वन एक्सेप्शन इन एनिमल सेल. एक्सेप्शन है, अलग है दूसरे से. सब एनिमल सेल्स के पास प्लास्टिड नहीं होता, लेकिन युगलीना जो कि एक प्रोटोजोआ है. देखिए बेटा, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाय है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है. तो एक प्रोटोजोआ जिसका नाम युगलीना है, युगलीना के पास जो है ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है. इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एक्सेप्ट युगलीना ऑल एनिमल सेल्स डू नॉट हैव प्लास्टिड्स. नेक्स्ट पॉइंट इज वेक्यूल्स जो हमने अभी बात की थी, इन एनिमल सेल्स वेक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड दे आर टेम्पररी, वेयर एज इन प्लांट सेल्स वेक्यूल्स आर बिगर इन साइज एंड दे हैव बिगर इन साइज ऑल्सो एंड दे आर लार्ज ऑल्सो. एंड नेक्स्ट इज इन एनिमल सेल्स सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, वेयर एज इन प्लांट सेल्स सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स आर एबसेंट. नाउ वॉट इज सेंट्रियोल? देखिए बेटा, जो सेंट्रियोल है एनिमल सेल्स के अंदर, जब सेल डिवाइड होने लगती है
तो वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स अराइज हो जाते हैं जिन्हें हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं। तो जो ये एनिमल सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एंड इट इज़ एब्सेंट इन प्लांट सेल। टिल नाउ वी हैव स्टडीड ऑल द डिफरेंसेस, ऑल द ऑर्गेनल्स ऑफ अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एंड वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट ऑल द ऑर्गेनल्स वर्क फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ सेल। सारे ऑर्गेनल्स मिलकर के वर्क करते हैं, अपना अपना पर्टिकुलर वर्क करते हैं और टोटल सम अप जो वर्क है वो किसके लिए हो जाता है, सेल के लिए हो जाता है। तो यानी कि सेल जो है यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रही है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसके डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, दे हैव देयर ऑन स्ट्रक्चर एंड दैट्स वाई सेल हैज़ इट्स पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। और वो जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस और इसीलिए जो सेल है इट इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग द फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, देन ऑब्टेनिंग न्यूट्रीशन, then clearing of waste material and forming new proteins. So these are the basic functions which are carried out by cells. So we can say that cell is the structural and fundamental unit of life, or we can say that cell is the structural and functional unit of life. Thank you.